तो अभी हो रहा है शाम का टाइम 5:30 बजे का और अंधेरा होने लग जाता है वैसे जल्दी। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी अलमारी वापस से सही करूंगी। कुछ तो थोड़ी बहुत बिगड़ रही थी। और दूसरी बात ये थी कि बहुत सारे ऐसे बेस हैं जो, सही बताऊँ ना, मेरी शादी को 4.5 साल हो गए लेकिन मेरा एक भी ऐसा बेस नहीं है जो मैंने किसी को दिया हो। मतलब आज तक मैंने जितने भी बेस सिलवाए हैं ना, सब मेरे पास रखे हैं, चाहे मैंने पहने हैं या नहीं पहने। कुछ थे 3-4, वो मैंने मेरी मम्मी को दे दिए थे। मम्मी यहाँ आते हैं तब मम्मी बेस वगैरह पहनते हैं। तो और एक या दो ऐसे थे मतलब जो सही नहीं सिले थे या फिर जो लंबे मतलब छोटे हो गए थे, थोड़े से छोटे सिल दिए थे, वो मैंने मेरी सासू माँ को दे दिए थे। मम्मी को सिलाई आती है, मम्मी अपने हिसाब से सही कर लेते हैं और पहन लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने नोटिस कर रही हूँ मैं कुछ दिनों से कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बेस पड़े हैं जिन्हें मैं पहनती नहीं हूँ। एक्चुअली वो शादी के टाइम के हैं, जरी के हैं, काम के हैं। मतलब जब नई नई शादी होती है, हम नई नई बहू होते हैं तो जरी वाले और ऐसे तामझाम वाले पहनते हैं, है ना, जिसमें तारी वारी होती है। और अभी मैं सिंपल पहनना पसंद करती हूँ। और पहले क्या घर में रोज बेस ही पहनते थे, अब तो मैंने बहुत कम कर दिया घर में बेस पहनना। तो मैंने सोचा ऐसे पड़े हुए हैं तो किसी के यूज ही आ जाएंगे, तो मम्मी को बोल दूंगी, मेरी सासू माँ को बोल दूंगी, ठीक है भाई जिसको जो पसंद हो रख लो, नहीं तो अपन किसी को दे देंगे, उनके यूज आ जाएंगे। क्योंकि मतलब सारे नए हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने हैं, 3-3, 4-4 बार पहने हुए हैं और सारे जरी के और अच्छे काम के हैं। बट अब मैं पहनती नहीं हूँ तो नए भी ले लिए, तो अब पुराने पहनने की इच्छा नहीं होती। तो मम्मी और दोनों मम्मियों से पूछ लेंगे, उन्हें कुछ इनमें से लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर किसी को दे देंगे, वो पहन लेंगे, उनके काम आ जाएंगे। तो बस वही फैलावड़ा फैला के बैठी हुई हूँ मैं। ओ ये देखिए, ये तो मैं पहनूंगी, ये तो मेरा क्या कहते हैं पीले का बेस है, ये सारे बेस में फैला के बैठी हूँ। तो इनमें से जो जो मतलब मेरे काम के हैं वो मैं रख रही हूँ और बाकी अलग कर दे रही हूँ। ये भी मेरी शादी के टाइम का, बट ये मुझे पसंद है बहुत अच्छा। इसमें ही ये कसीदे का काम है धागे का, तो ये वाला रख रही हूँ मैं। जैसे हाँ मतलब मेहंदी वेहंदी का फंक्शन हो तब पहन लो, दिन में जब फंक्शन नहीं हो रहा है तब, है ना। और ये सारे मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रख दिए हैं, ये जोड़ ओढ़ने हैं सारे, इनके साथ लहंगे नहीं हैं। और वो पूरे सूट है, अभी इतने ही करे हैं और बाकी अभी बैठी हूँ कर रही हूँ मैं शॉर्ट आउट। तो ये और बहुत सारे कुर्ते भी हैं, आपको दिख रहा है वो डंप वहाँ पे लास्ट में कुर्तों का डंप है, तो उनमें भी बहुत सारे ऐसे कुर्ते जो मैं नहीं पहनती हूँ। तो जो मेरी हाउस हेल्प आती है सुनीता, वो तो नहीं पहनती है कुर्ते, उसकी छोटी सिस्टर है वो पहनती है, या किसी को काम होगा तो उनको दे देंगे, वो पहन लेंगे। क्यों फालतू रखना, जब आप नहीं पहन रहे हो तो किसी और के तो काम आ जाए एटलीस्ट। साथ के साथ ना मतलब कुछ बेस ऐसे हैं जिनके साथ मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये पीले वाला बेस है, अभी बताती हूँ मैं आपको। बेस है ये एक्चुअली लाल और पीला है, और ये इसका लहंगा है ऐसी, इसका वो है कुर्ती और कांचली। तो ये जो है ना, ये आपको मतलब वीडियो में डार्क येलो दिख रहा है, बट एक्चुअली बहुत हल्का वाला पीला नहीं होता है, जो वो कलर है बहुत हल्का पीला है ये, मतलब ऐसा लगता है फेडेड सा पीला होता है ना वो। बट ये मैंने सिलवाया और मैं इसको 2-3 बार पहन चुकी हूँ, आपने कभी वीडियो में भी देखा होगा। और इसके इसको सिलवाने का और पहनने का और रखने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो बेस है ये नानी सा ने दिया था मुझे, मेरे नानी सा नहीं, मेरे नानी सा को तो शांत हुए बहुत साल हो गए, मैं छोटी सी थी तभी शांत हो गए थे। जो गौतम के नानी सा है ना, यानी मेरी सासू माँ के मम्मी है, जो मैं एक बार ही अपने मामेर क्या कहते हैं गौतम के नान देरे गई हूँ, एक बार ही गई हूँ बस। वहाँ पे कुछ था मंदिर वंदिर, वहाँ पे धोख खानी थी जोड़े से, हमारी परी होने से पहले गई थी तब नानी सा ने मुझे ये बेस दिया था। तो मतलब जो गौतम के नानी सा है ना, उनसे मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखा होगा, वो 3-4 दिन के लिए जब हमारे घर आए थे, मैं उनको रोज़ नई नई चीज़ें बना के खिलाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो। जैसे मेरे दादी साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे ही वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं इसे हमेशा संभाल के रखती हूँ। भाई भाई क्या हुआ, खेलो, ये है दोनों भाई खेल रहे हैं। ये टुकू इन दोनों को मज्जी दिला रहा है, आराम से आराम से आराम से। तो हमारी परी खा रही है अमरूद, मैं और परी बैठे बाहर बालकनी में,
क्योंकि आज इसके दादी साहब दादा साहब घर पे नहीं है तो ये ऊपर छत पे नहीं जा सकती खेलने के लिए, इसलिए मेरे साथ बैठी है बेचारी और ये अमरूद खा रही अपने। मैं अमरूद की जो बीज के बीज होता है ना, बीज होता है जो, वो सारे निकाल देती हूँ परी जो खाती है उसमें से, क्योंकि ना तो इससे बीज चपते हैं और वो अभी बच्चों के लिए ठीक भी नहीं है ना बीजू। हाँ हाँ, क्या खा रहे हो आप, क्या खा रहे हो पर क्या खा रहे हो चिज्जी, चिज्जी खा रहे हो चिज्जी। इसका पूरा ध्यान इस संतरा पे है। मैं अभी शाम हो गई तो मैं अवॉइड कर रही हूँ कि इसको ना खिलाऊं, बट देखते हैं अगर ये अमरूद फिनिश कर लेगी तो ही छीलूंगी ना नहीं छीलूंगी। दिन में ये सो गई थी जब धूप थी तो खिला नहीं पाई। फिर उठा ली, नहीं ये नहीं खाएंगे, पहले आप ये फिनिश करो उसके बाद, पहले ये फिनिश करो। थोड़ा थोड़ा आराम से, आराम से खाओ। बस बैठे दोनों माँ बेटी कर रहे हैं इंजॉय, और मेरा मन कर रहा था चाय पीने का बट अब अमरूद खाने लगे, अमरूद खा लिए तो चाय नहीं बनाएंगे। और यार मैं सोच रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ बाद में जब मतलब उस चीज़ को करूँगी तो ये आपके साथ शेयर करूँगी, ऐसे फेका लॉजिक कोई मतलब नहीं है। तो परी भाई से हमारे खा ले अमरूद और खेल ले, ये थोड़ी देर बच्चे का खेलना भी ज़रूरी है 2400 घंटे घर के अंदर अंदर, बट यहाँ बाहर सर्दी भी है। एक्चुअली क्या ना ऊपर हमारे ठंड नहीं लगती छत पे, क्योंकि आगे की तरफ रूम बना हुआ है तो इतनी हवा नहीं आती, लेकिन यहाँ मेरी बालकनी में सीधी हवा आती है। मैं गेट भी बंद रखती हूँ हॉल वाला अंदर से तो। और ये पता नहीं ये वॉश की थी वॉशिंग मशीन में ना कपड़ों के साथ, ये इस पर ना पता नहीं वाइट 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 क्या लग गई, पूरी खराब हो गई मेरी फेवरेट। आराम से कहो थोड़े थोड़े, इतने जरा इतने नहीं खाते है। ये संतरा लेके बैठी, इसको संतरा खाने। आपने फिर दो मम्मा को, दो ये मम्मा को दे दो, दो गुड गर्ल। पहले आप अमरूद फिनिश करो, नाइफ का क्या करोगे आप, क्या करोगे नाइफ का, इससे काटे इसको। अच्छा इससे इसको काटे, आपको आता ही क्या काटना। उब्बा कहाँ है उब्बा, कबूतर दिख गया इसको, कबूतर को उब्बा बोलती। अरे क्या है, हाँ सोनू क्या है बेटा, ओहो ऐसे कट करते हैं क्या। गया उब्बा गया, गया दो नाइफ दे दो मम्मा को। नहीं बेटा आपके हाथ पे लग जाएगी, दो दो मम्मा को दे दो, ये भी दे दो। पहले आप अपना अमरूद फिनिश करो लो। ये है ना कबूतर को बुला रही, कहाँ है कबूतर, अच्छा वो बैठा ऊपर। आप पहले अपना, हाँ आप पहले ये फिनिश कर लो अपना अमरूद, फिर आपको मैं ना कट करके दे दूंगी। नहीं उसको नहीं खाना, आप खा लो। इसका ध्यान अब कबूतर पे रहेगा जब तक उड़ नहीं जाएगा। गया क्या परी उब्बा, बैठा हुआ है। ओ बेटा परी का ध्यान, परी उब्बा बैठा है क्या, गया बैठा है, कोई बात नहीं वो भी अपनी मम्मा के पास चला जाएगा, आप खा लो है ना। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो सारे काम वाम सब हो चुके हैं, मैं और परी नहा चुके हैं, और पता नहीं शर्ट पे ना कुछ ज़्यादा ही वाइट 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 होते जा रहे हैं, पूरी ख़राब होती जा रही है, ऐसा लग रहा है नज़र लग गई है, सब पूछते रहते थे। तो अभी मैं हो रही हूँ रेडी, मैंने अपना साटन का बेस निकाला है, परी को ऑलरेडी रेडी करा दिया है, और मैं जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल जगह पे। गौतम मना से काफ़ी दिन से बोल रही थी बट उनको नहीं टाइम मिल पा रहा था, तो आज मेरी मम्मी ने रवि को बोला है, क्योंकि मैंने जब रवि को बोला तो रवि ने मना कर दिया, बट अभी रवि मान गया मम्मी के कहने पे, तो रवि आ रहा है। परी क्या कर रहे हो आप, आपने सारे बाल भी बिगाड़ लिए। हाँ मैंने इसको शूज, मैंने ला शूज पहना देती हूँ, बट इसको खुद को शूज पहनने दो, मम्मा पहना दे, परी मम्मा पहना दे क्या, दो बैठो सिट सिट, तो बैठो तो जब ही तो पहनाएगी मम्मा। आज मेरी बेटू पिंकू पिंकू हो रहा, पिंकू पिंकू, अच्छा भाई पहना रहे पहना रहे पहना। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने अपना ये साटन का 4 मीटर का सूट और ये मेरी शिमर वाली ओढ़नी ओढ़ी है,
ये सब पे चल जाती है जो बेबी पिंक कलर का होता है। और रवि भी आ गया, वो खड़ा पीछे, बट ब्लर आ रहा है क्योंकि मैंने सिनेमैटिक ऑन किया हुआ है। ओहो इतना खूबसूरत कैसे आ रहा है तू। मेरा भाई है ही स्मार्ट। एप्पल खा लो फ्रेंड्स। तो आगे बोल रहा, भूख लग रही है, कुछ बनाया है क्या तूने? तो मैं क्या, तू बताता है यार, तू कुछ खा के नहीं आ रहा, क्योंकि अभी ऑलरेडी कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहे, तो मुझे लगा ये कुछ खा के आएगा, तो मैं क्या एप्पल वगैरह कुछ खा ले, फ्रूट्स रखे, तो बस अब निकल रहे हैं, एप्पल फिनिश कर ले अपना। और हम परी का सोच रहे हैं, परी को ले जाएं कि नहीं, क्योंकि बाइक पे उसे हवा लग जाएगी, देखती हूँ ले जाते हैं कि नहीं, इसको क्या करना है इसका।